मैं हूँ जिमी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वैसे ये मेरी ही कहानी है। मेरा जन्म और मेरी परवरिश दुबई में हुई। लोग मजाक में कहते हैं कि दुबई केरला का 15th डिस्ट्रिक्ट है। ये है जिमी जॉन अडकारन। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये मेरी कहानी का हीरो है या विलन। चिल्ला क्यों रहे हो? सुबह सुबह इस तरह परेशान करने क्यों आ गए? अरे तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा? आज हम तुम्हारी होने वाली दुल्हन से मिलने वाले हैं। ओ अच्छा। हम सब यहाँ सुबह सुबह रेडी होकर खड़े हैं। ये बात पहले नहीं बता सकती थी, मैं तुरंत रेडी हो जाता। ये दोनों जिमी की बहनें हैं, मॉली और सूजी। जिमी की शादी कराना ही इनका परम लक्ष्य है। ये देखो। और ये है मिस्टर जॉन, जिमी के पापा। अपना बिजनेस अपने बेटे के कंधों पर डालकर अपने रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। आज शहर में कहीं सर्कस लगा है? नहीं, आपके परिवार में सिर्फ मैं ही एक कलाकार हूँ, तो मेरा लुक भी सबसे अलग होना चाहिए ना। ये है कुमार जी, जिमी के जीजा। इन्हें लगता है ये दुबई के सुपरस्टार हैं। पापा, दुबई में कोई भी इंग्लिश फिल्म मेरे बिना बनती है क्या? बोलो। सही बात है, मैंने डायरेक्टर के मुंह से कई बार सुना है, जब भी कहीं कैमरा चालू होता है तुम बबन और मौली कॉमिक्स के कुत्ते की तरह नाक घुसेड़ते रहते हो। जलन हो रही है, मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट। सही बात है। मैं अपना लुक सॉफ्ट करता हूँ, सभी मेरे लुक्स के कायल हो जाएंगे। ओहो, बस करो, बंद करो, चलो यहाँ से। क्या हुआ? ये है जिमी के छोटे वाले जीजा, एक नंबर के आलसी इंसान। जिमी, इतने तैयार होकर दुल्हन से मिलने जा रहे हो? क्या मजाक कर रही हो, मेरे पास और भी काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा देखो ना ये क्या बोल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है। भाई मैं तैयार हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो जबकि ये खुद नहीं जा रहा है? तुम इसे कुछ समझाते क्यों नहीं हो? जिमी भाई, तुम्हारी आजाद जिंदगी को देख कर मैं बिना किसी जलन से पूछ रहा हूँ, क्या तुम शादी नहीं करोगे? अब इस आजादी से मुक्त हो जाओ। बेटा चाय पी लो। देखो ना मम्मी, ये सब लोग ही मिलके इसे भड़काते रहते हैं। बेटा, जिमी जो भी करेगा मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसे पता है कि उसे कब शादी करनी चाहिए। दुबई में 3 बार बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड हासिल करने वाला हमारा बेटा जिमी, मैं उसके लिए लड़की का चुनाव नहीं कर सकता। ये सब ठीक है, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मेरी दुल्हन बिल्कुल मेरी माँ की तरह स्वीट होनी चाहिए, है ना? और ये है रोज जितनी खूबसूरत रोजी, फुल सपोर्ट करने वाली जिमी की प्यारी माँ। ठीक है ना, चलता हूँ। सही कहा। कार वॉश सही से नहीं कर सकते थे? नहीं किया। क्या कहा? मूड नहीं है। नौकरी जाएगी तो मूड सही हो जाएगा। यूसुफ अली फोन कर रहा है। कौन यूसुफ अली? लुलू मॉल का मालिक? दुबई का बादशाह है क्या? बहुत सारी नौकरियां हैं। ये दूसरा बेवकूफ कहां से आ गया? न दारू पीता है न सिगरेट पीता है, इंसान कैसे जी सकता है? पेट भारी लग रहा है। किसका? उसका। ए, मलयालियों का शरीर बड़ा होता है, पेट भी बड़ा होता है और दिमाग भी, मेरी तरह। सिलेंडर शेप का फैशन आउट हो चुका है, सिक्स पैक चाहिए, सिक्स पैक। कुछ भी बोलता है, सच्चाई लोगों को कड़वी ही लगती है। गुड मॉर्निंग फासिया। सर, गुड मॉर्निंग सर। सुबह सुबह फोन से खेलना शुरू। सर, वो मेरा हस्बैंड। हस्बैंड? किसका? मेरे हस्बैंड। खुद भी काम करो और अपने हस्बैंड को भी काम करने दो, ओके? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इसमें तुम्हारे लिए अच्छा। गुड मॉर्निंग। परेशान मत हो,
ध्यान से सुनो, तुम भी हर सीन में रहोगे, हर सीन में तुम रहोगे भाई। तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड दिखाएंगे, तुम्हारे ऊपर कैमरा रहेगा, कैमरा घूमेगा और उसके बाद आगे बोलो। सड़ाप अचानक इस तरह आ जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? आप चलिए, मैं संभालता हूँ। चलो भाई अपना काम करो। सलगुना, तुम तो किसी काम के लायक नहीं हो, कम से कम इन्हें तो काम करने दो। सर इंसल्ट मत कीजिए सर, टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। अच्छा, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नेगेटिव शॉर्ट फिल्म के लिए मेरी फिल्म को पद्मराजन अवार्ड मिला था सर। किसने दिया तुम्हें ये पद्मराजन अवार्ड? अरे भाई असलम सर। और कौन है ये? अरे क्या सर, आप असलम को नहीं जानते? हवस का दरिंदा, हवस का खिलाड़ी, हवस का दीवाना, एक से एक बढ़कर शॉर्ट फिल्में बनाई सर, उसे आप नहीं जानते? क्या बात करते सर। कहीं ये तुम्हारा कोई रूममेट तो नहीं? हाँ रूममेट तो है। अब पता चला तुम्हें अवार्ड कैसे मिला होगा। एक क्या दांत फड़ रहे तुम लोग, क्यों हंस रहे हो बे? सर मेरा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, मैं तो बस इनका फ्यूचर बनाने में इनकी मदद कर रहा हूँ। पर फिर तुम्हारा फ्यूचर का क्या होगा? मैं तो यहाँ ऑलरेडी सेटल हूँ सर। सलगुना एक बात सुनो, तुम ना मेरे काम के हो ना ही इस कंपनी के, किसी काम के नहीं हो। पता है तुम्हें इस ऑफिस में रखना एक सेवा है, चैरिटी है, तुम्हारे परिवार के लिए चैरिटी। बहुत मजाक करते हैं सर, तुम लोग जाओ, मैं फाइल लेके आता हूँ सर, कॉफी भिजवाता हूँ सर। चलिए आप, एक दिन मुझे मौका मिल जाए इसे तो मैं बुर्ज खलीफा से धक्का दे दूंगा। मे आई कम इन सर? यस सर। क्या हुआ फासिया, वाईफाई काम नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है सर, मैं यहाँ शादी का प्रपोजल लेकर आई हूँ। तुम तो पहले से शादीशुदा हो? अपनी शादी के लिए नहीं, आपकी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया फासिया? सर मैं लड़की को अच्छे से जानती हूँ, बहुत ही सुंदर लड़की। फासिया अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ। सर आप एक दफा देखिए तो सही, पहले जाकर अपना काम खत्म करो। ऐसा रहा तो इसे कोई लड़की नहीं मिलेगी। फासिया डरा दिया मुझे। वो क्या, मुझे भी वो फोटो दिखाओ ना। क्या? अरे तुम्हारे मोबाइल में जो फोटो है मुझे दिखाओ। ऐसा है, बड़ी ही सुंदर है, देखो ना। सुंदर तो है पर तुम्हारे जितनी नहीं। इससे अपना काम चला लूंगा मैं। सुनो लगता है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ये शादी क्यों नहीं कर रहा? मतलब? मेरा मतलब ये सिर्फ एक मर्द समझ सकता है। क्या 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 कहा तुमने? तुम्हें पता है मैं बॉलीवुड की हीरोइन जैसी लगती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ देखता नहीं है। असली मर्द लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करता। ओहो, तो ये बात है। फासिया ओके। जॉन सर के साथ, ममूका के साथ, ललिटन के साथ और दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की सनी के साथ भी फोटो बना दी। क्या पटाखा है भगवान। ये सब कैसा लगा? जीजा जी यहाँ पर काफी लोग हैं, बाहर चलिए ना। एक मिनट आइए ना मेरे साथ। मेरी फोटो है, थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम है। जीजा जी ये होटल और रेस्टोरेंट मेरे पापा ने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप, दीदी और आपके बच्चे कभी जिंदगी में भूखे ना मरे, और तो और हमारे परिवार के साथ जुड़ने पर आपको इज्जत मिले। मेरी तरफ देखिए, इतनी जल्दी भूल गए? फिल्म लाइन के लोगों के चक्कर में पड़कर आप अपना कितना पैसा और हेल्थ बर्बाद कर चुके। पूरे दिनों की याद मत दिलाओ। जीजा जी इस होटल का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? वरना समझ गया बेटा। सबसे पहले तुम मेरे बेटे हो, एक बाप की तरह मैंने तुम्हें पाला है। याद करो जब भी तुम चॉकलेट के लिए रोते थे ना, तभी मैंने। प्लीज प्लीज इमोशनल डायलॉग्स नहीं भाई, अपने बड़े भाई को कभी मत छोड़ना प्लीज। बेवकूफ इंसान है मेरे भाई। चौकट से एक लंबी यात्रा करके मैं इस बीच समंदर तक पहुंचा था। मांझी ने मुझसे कहा कि पानी में कूद जाओ, तो मैं कूद गया। तो मेरे दिमाग में मौत नहीं एक उम्मीद थी, जिंदगी जीने के कई सपने थे। दुबई से लेके दुनिया भर में मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया, पर वो सब कुछ नहीं है, जबकि मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार है। तुम मेरी बात समझ नहीं पाए ना? बेटा पता है भगवान ने इन उंगलियों के बीच में जगह क्यों बनाई है? ताकि जिसे हम प्यार करते हैं, जिसकी हम परवाह करते हैं, उसका हाथ हम कस कर पकड़ कर रखें, पूरी जिंदगी उनका सहारा बने, उन्हें कोई तकलीफ ना होने दे। पापा मैं शादी कर ही लेता हूँ। तो तुम समझ गए। समझ गया।
तुम्हारी कोई अपनी पसंद है क्या? नहीं पापा, ये काम आपको ही करना है। आपकी पसंद मेरे लिए हमेशा से बेस्ट रही है। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए। ये वही ना बात मेरे बच्चे। पूछिए ना, तुम पूछो। पापा कुछ तो बताइए, हम किस लड़की से मिलने जा रहे हैं? ये अभी सरप्राइज है। वैसे जब आप किसी ऑडिशन में जाते हो तो पहले हीरोइन के बारे में क्लू मिलना बहुत जरूरी है। सही बात है। वैसे क्लू मिलना हमेशा अच्छा ही होता है ना? देखा, लड़की के बारे में जानने में कितनी बेचैनी है इसे। मुझे भी लड़की देखनी है। ओए चुप छोटू। पापा आप उसे जानते हैं क्या? ठीक है, मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ। वो मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है। ऐसा आपका कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? अच्छा, ऐसे तो मेरे कई सारे दोस्त हैं। मम्मी जी को अपना असली रंग क्यों दिखा रहे हैं? अभी और कितनी दूर जाना है? लो पहुंच गए। देखा, वो लोग आ गए। अरे क्या ये टॉम अंकल का घर नहीं है? ये देखो, तुम लोगों के लिए सरप्राइज था, वो भी आ गया। अरे मेरे टॉम। जॉन। ये तुम्हारे ससुर। हम लड़की देखेंगे। और सब ठीक है ना? सब कैसा चल रहा है? घर तो बड़ा अच्छा है। काफी अच्छा लग रहा है। सब तो काफी बदल गया है। टॉम एंड जेरी का मस्त कॉम्बिनेशन है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अपनी बकवास बंद करो, अंदर चलो। आप लोग आखिर यहाँ आ ही गए, कितने दिनों से मैं आप लोगों को यहाँ बुला रहा था। हर चीज के लिए सही समय है। अरे तुम लोग इसे जानते हो? बहुत बड़ा फिल्म स्टार है। अरे मैंने तो कोई फिल्म नहीं देखी। अरे ये सब फिल्म में रहता है, बस उसकी परछाई होती है, शेडो। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, कसम से कहता हूँ, भले ही ये मेरे ससुर है। अरे अपनी बेटी कहाँ है? झांसी। सुसामा झांसी को बुलाओ। बेटी। जेंसी, क्या तुम्हें जॉन जी के संस्कारी और आज्ञाकारी सुपुत्र जिमी जॉन से शादी करके उसे अपना हस्बैंड बना लेना स्वीकार है? स्वीकार है। जिमी जॉन, क्या तुम अपने पूरे होशो हवास में टॉम जी की संस्कारी आज्ञाकारी बेटी झांसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? स्वीकार करता हूँ। ये दोनों भी आ गए। इनके लिए भी खाना लगाओ। बच्चों को भी खाना परोस दो। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल चिकन करी बिरयानी बनाई है। बताओ कैसी है? चावल। चिकन करी मस्त है। पता है। लाइए मुझे दीजिए। बच्चों अपना मुंह बंद करो। सारा हमेशा गाना गाते हैं। आप बैठिए ना। बदमाश बच्चे हैं ये। मैं चाहता हूँ शादी टूट जाए। अगर शादी टूटेगी तो और भी घरों में जाएंगे खाने। हाँ बढ़िया है। तुझे छोटू उस्ताद की चिकन करी याद है? हाँ, उसके बगल में ना। वो जिंदा है? नहीं, वो रिप हो गए। कसम से, क्या फिश और चिकन करी बनाता था वो। सच में मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बेटा हेलो हेलो, अपने बाप की तरह कुछ लेता? अरे नहीं, मेरी रुचि कभी उसमें नहीं थी, कभी एक सिप भी नहीं। चलो अच्छा है। अजीब लग रहा है। अंदर ही अंदर मुझे टेंशन हो रही है। मैं समझती हूँ, लूज मोशन। क्या? हाँ, अच्छा है। लूज मोशन। क्या बात कर रहे हो? लूज मोशन। बेटी। अरे मुझे नहीं, जिमी को। हाँ? मैंने नहीं कहा। तुम्हें? मैंने कब कहा? हाँ, अरे कोई बात नहीं, इस जिमी को नहीं, हमारे जिमी को। वो कौन है? हाँ? जिमी। जिमी है।
अच्छा जिम्मी जिमी, ओए डॉगी, कम ऑन जिमी, निकल यहाँ से, गो, जिमी, ये अंदर था, वो तो बस एक मजाक था, ये कैसा मजाक है, आ जाओ, इट्स ओके, ओ, डरो मत, हँसना बंद करो, आ जाओ, कम, 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 वो हमारा जिमी है, वन मिनट, लाइट ऑफ कर देती हूँ. फर्स्ट पॉइंट की बाण बजा वो बड़ा ही क्यूट है ए, फिर से नहीं वो चला गया गया उनके नए मकान और नई जिंदगी में मैं भी उनके साथ एंजॉय करने लग गया आपने देखा नहीं तो देखिए जानू आज प्लीज तुम कहीं मत जाना मैं तो अभी निकलने ही वाला था पता है ऑफिस में सारे कलाकार भरे हुए ऑफिस की बैंड बजा देंगे और पता है आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से बहुत जरूरी मीटिंग है अच्छा मेरा सूट रेडी है ना हाँ सब रेडी है वाह Do you really have to go? You know, I have to. Jhansi! क्या हुआ? क्या हुआ? See this. अरे क्या हुआ? वो बस उसके साथ खेल रहा है. ये मेरा ऑफिस का सूट है. Oh, मेरा प्यारा बच्चा. ये बहुत प्यारा है. He's such a doll. So cute. Move. Hey. Leave this. Look at this, Chansey. It's okay. It's okay. Damn it. Badmash. Chalo. Jimmy? Huh? Arre. Actually, main tumhe nahi ise bula rahi thi. Oh. Hey darling, hey sweetheart, oh my sweetheart, oh. Ah, Jimmy, ये तुमने क्या किया? Very bad. मैंने तुमसे कहा था ना कि जो के साथ अच्छे से behave करना. अब जो का mood खराब हो गया. ठीक है, चलो. हाँ, आज क्या special खाना है? एग सैंडविच नहीं पिज्जा पिज्जा तो तुम्हारा फेवरेट है ना हाँ
हे, वेट, वेट, दे रही हूँ। हेलो। हे जॉन, घर आने में तुम्हें लेट होगा क्या? जल्दी आ जाऊँ क्या? हाँ, जो मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना, क्या हुआ? मैंने एक स्पेशल केक ऑर्डर किया है। केक? हाँ, बेक मार्ट। बेक मार्ट, ओके। आते वक्त तुम केक लेते आओगे प्लीज? ले आऊंगा। थैंक यू। बात क्या है? That's a surprise. तुम्हें इसे खुशी मिलेगी। वैसे ऐसा कौन सा सरप्राइज है? Hey. Bye. God, dear. तुम्हारा केक हाजिर है। मजा नहीं है। अब फर्स्ट गिफ्ट क्या कहूँ? अब हाय माय केक। हाय। हे, आज कौन सा खास दिन है? बताती हूँ, इंतजार करो। जिमी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन माय बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। चलो खा लो, खा लो। बर्थडे है इसका। He's so cute, no? Cute, what rubbish. इसमें तो मुझे जहर मिला देना चाहिए था। Crap. Joe, what's wrong? मैं इसके लिए ये केक लेकर आया था। अरे, पापा उसे हमेशा यही केक खिलाते थे। ये केक उसे बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मंगवाया। सॉरी। मान भी जाओ। इसके बदले मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगी। जिमी। अरे, भाग यहाँ से। जो get lost। कहाँ जा रहे हो? रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए एक इन्वेस्टर मिला है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा था, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलती? जिमी अकेला है। ये हमारा नया रेस्टोरेंट है, एक बार चलकर देख तो लो। चलो ना, जिमी को भी साथ ले जाते हैं। हाँ, प्लीज प्लीज। ओके ओके ओके, नहीं ठीक है। मैं जीतो। अरे कम ऑन, बैठ जाओ। अच्छा। हे, थैंक्स जो, आर यू हैप्पी? हैप्पी क्यों नहीं होगा? जिमी, देखो, ये हमारा नया रेस्टोरेंट है। हाय सर, हाय मैम। अच्छा, जीजा जी कहाँ? वो तो अभी नवीन पॉली की नई फिल्म में एक्टिंग करने गए हैं। उन्हें उस फिल्म में दमदार रोल मिला है। सच में? क्या रोल है? हत्यारे का रोल है। हत्यारे का? हाँ, डायरेक्टर पक्का उस बेवकूफ की हत्या कर देगा। हाय मैडम, आप कैसी हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अय्यप्पा भगवान का पुजारी आ रहा है। ओहो, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे? कहाँ थे इतने दिन? गाँव गया था। अय्यप्पा भगवान के महोत्सव के लिए चंदा इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। वहाँ भी मेरा लक्ष्य भक्ति करना ही था।
अब मेरे पास अजमल में भी अयप्पा विलक्कू है। अजमल का अयप्पा विलक्कू? हाँ, अल अलसारिस ने अयप्पा विलक्कू के लिए स्पॉन्सर किया है। मैं स्पेशल भक्ति गाना बना रहा हूँ। भगवान मतलब अयप्पा भगवान आप दुबई में स्पॉन्सर करेंगे? सॉरी मैं आप दोनों के महोत्सव में नहीं आ पाया। मेरा मतलब है शादी में नहीं आ पाया। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। अयप्पा भगवान की जय हो। अयप्पा भगवान सारे संसार की रक्षा करें। जय हो जय हो जय हो जय हो। कौन है ये? हमारा मैनेजर, जानती नहीं? काम में ध्यान कम रहता है लेकिन मूड हर वक्त बदलता रहता है और सैलरी पूरी लेता है। चलो अंदर चलते। चलो जिमी। झांसी तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। Hi sir, how are you? Hey, Jimmy, how are you? Great to see you. Please be seated. Please, 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 please. 500,000 confirm. मनुष्य कितना स्वार्थी है, देखो तो। क्या हुआ? अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ। मीटिंग खराब कर दी। चलो चलो कम ऑन। समझ में भाग गए। कम जिमी। क्लाइंट को फिर से मनाना पड़ेगा। हमें वहाँ अकेला छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो गया। अगर वो मेरे इन्वेस्टर को काट लेता तो? मैं सॉरी जो, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वैसे उसे भी इस बात का दुख है। हाँ सही बात है, मैंने भी वहाँ उसे रोते हुए देखा। माफ भी कर दो, जिमी मासूम है। मुंह बंद करके सो जाओ। जिमी मासूम है। सुनो, जीसस कहते हैं कि कपल्स के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए और बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल कपल्स के घर में ऐसा डॉगी भी नहीं होता। ओहो, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी बात में दम तो है। हमें नॉर्मल कपल्स की तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये है डिमिट्री रॉड्रिगस, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, जिसके लिए बिजनेस ही सब कुछ है। डिमिट्री बिजनेस में किसी को भी पंख फैलाने का मौका नहीं देता। फिलहाल इसे लगता है कि इसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जिमी जॉन है। चलो कहीं ट्रिप पर चलते हैं। हाँ, तीन टिकट्स। अब तीन टिकट्स क्यों चाहिए? जिमी भी है। पर मैं तो आ रहा हूँ। जो तुम नहीं, जिमी। सोच रहा हूँ ट्रिप कैंसिल ही कर देता हूँ। ट्रिप पर ले जाकर ट्रिप बर्बाद नहीं करना। चुपचाप सो जाओ। मेरा बेचारा जिमी। जान से मार लूंगा, गन से मार दिया, बच गया। शिकारी कोया? क्या हुआ कर्नल सर, सीधे युद्ध के मैदान से आ रहे हैं? आ रहा हूँ, मेरे लिए ये युद्ध ही है। और मेरा ये युद्ध अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए है, समझे तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? काम बैठ में ही। छोड़िए सर। क्या हुआ? देखो रे, देखो उसे। क्या है वो? देखा ना तुमने? काम बैठ में। सब प्लीज सब पूछ रहे उसको, मेरी बेटी में डोरे डालने की हिम्मत करता है? अंकल प्लीज,
जिम्मी बड़ा ही शरीफ है, उस पर आरोप मत लगाइए। ऐसा है क्या? ये चुपके से मेरे घर में घुसकर उसको मिलने को आता है, अश्लील कुत्ता कहीं का। आप अपने कुत्ते की शादी करा दो, पर मेरे कुत्ते पर गलत आरोप मत लगाओ। ऐसा क्या? मैं इसका वास्ते रिश्ते देख रहा है, पर शादी से पहले मैं इसे तुम्हारे अश्लील कुत्ते के साथ रासलीला नहीं करने दूंगा, क्या समझी? मेरा जिम्मी इज्जतदार खानदान से है, आपको क्या पता है अंकल? याद रख, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। कुछ बोलो ना। याद रखना। इडियट, लड़ी इडियट। ये कर्नल तो पूरा पागल हो गया है। तुम्हें पता है? सर, एक सर, मैं जरा खत्म कर लूं सर। पता है, तुम मेरे सिर्फ मैनेजर नहीं हो, तुम हमेशा से मेरे भाई जैसे रहे हो, माय ब्रदर। सर, ये क्या कर मेरी सैलरी मत काट लेना। सैलरी? अब भाई बोला तो भाई का नुकसान मत कर देना सर। ए, सैलरी तो मैं तुम्हारी बढ़ाने वाला। बढ़ा रहे हो सर? आप अपनी प्रॉब्लम बताइए सर। मेरी जिंदगी में अशांति फैल गई है यार। वो तो फैली थी। झांसी मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती है। व्हाट्सएप वाला प्यार है, समझ गया। ए, फेसबुक? ऐसा नहीं है। किसी लड़के से इश्क हो गया क्या? चुप कर बेवकूफ। अरे सर, आजकल ये फैशन बन चुका है। मेरे घर में वो डॉगी है ना। ए भगवान, कुत्ते से अफेयर? शट अप। वो सुबह से लेकर शाम तक उसी के साथ खेलती रहती है। अरे तो उसे खेलने दो ना सर। नहीं यार, वो मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ। उसी डॉगी के पीछे लगी रहती है। फिर तो इस मैटर में आपको अपनी पत्नी से खुलकर बात करनी चाहिए। बात की लेकिन उससे काम नहीं बना। इनफैक्ट हम दोनों की फैमिली उसी को सपोर्ट करती है। वो कोई डॉगी नहीं है, शैतान है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अबे तू हंस क्यों रहा है? सर, हंसी तो आएगी, कमाल का जोक मारा है। यंग बिजनेसमैन, दुबई के नंबर वन अवार्ड विनर, ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखने वाले। सर, आप एक कुत्ते से जलन कर रहे हैं? अरे कौन आपकी बात का भरोसा करेगा? पति पत्नी में आमतौर पर झगड़े होते रहते हैं, पर ऐसी समस्या नहीं होती है। आप कुत्ते पर आरोप लगा रहे हो। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो अभी के अभी उस कुत्ते की जान ले लेता। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उससे बहुत दुख होगा। ए भगवान, उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसे भी समझना चाहिए ना। ऐसा मत कहो, वो डॉगी प्रॉब्लम की जड़ है। उस डॉगी से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव नहीं है क्या? किससे पूछ रहा हूँ सर? कुत्ते से छुटकारा चाहिए? उस केस में सिर्फ एक आदमी आपकी मदद कर सकता है। कौन है वो? बबलिश। कौन? बबलिश। वन एंड ओनली बबलिश। कैसे आना हुआ? मिलके बहुत खुशी हुई। कुछ काम था। दुबई या पहले जैसा दुबई नहीं, दुबई हो या फिर कोची हो, ये बबली हर जगह एक ही मिलेगा। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? शांत रहिए। हम जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों का ये फेमस डायलॉग है। ये हमारे एसोसिएशन का फैसला है। पहले डायलॉग फिर पेमेंट की बात करते हैं। जैसा आप कहें। असोमत, अल जजीरत अल हमरा का नाम सुना है? तो मैंने सिर्फ एक रात में जगह खाली कराई थी, सिर्फ एक रात में। और ऐसा क्यों? क्योंकि सोमा ने करंट बिल नहीं भरा था। सोमा नहीं, बाय द वे मिस्टर जिमी, 3 दिन में मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सिर्फ 3 दिन में। और कैसे? सलगुना ने मुझे सब बता दिया है। मैं उस कमीने को मार डालूंगा। नहीं नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, बस मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। उसे मारना ही बेस्ट आइडिया है। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करवाना। अरे अरे सर सुनो तो। रुको। नहीं। एडवांस? अरे बबली भाई, काम होने पर पेमेंट आपको मिल जाएगी। काम होने पर? चलो सर चलते हैं। क्या सर, आप भी बस भूख लगी है। इस बेली डांसर से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? ये मोटा एक दिन मुझे खा ही जाएगा।
झांसी। अरे हाँ। तुम बड़ी जल्दी आ गए। ताकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। क्या रासलीला। अब तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारा प्यारा डॉगी इज्जतदार खानदान वाला। हाँ। मैंने उसे कर्नल की डॉगी के साथ रोड पर रासलीला करते हुए देखा। ओ कितनी शर्म आई मुझे। अच्छा, बस यही बात है ना, मुझे तो लगा कुछ बड़ी बात हो गई है। तुम्हें पता है वो उसे प्यार करता है, वो भी प्यार करती है, मुझे सब पता है। हाँ, उसे भी जिंदगी में हम सफर की जरूरत है, समझे कि नहीं। अभी वो शादी के लायक हो गया है और हमें उसके घर चलकर शादी की बात करनी होगी, ताकि हमारे जिमी और उसकी शादी हो जाए। तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रहे हो, शादी से पहले कोई गलत काम नहीं करेगा मेरा जिमी। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा ना, मैंने अपनी आँखों से देखा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो वहाँ, ये रहा मेरा जिमी बेचारा। तुमने उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा, बुरी बात है। ओ मेरा बच्चा। हे हे जिमी, ही सो क्यूट नो, ही सो हैंडसम। वो सिर्फ बॉल के साथ खेल रहा है। चलो मैं तुम्हें कड़क चाय पिलाती हूँ, आ जाओ। इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अब सुन, मुझे परेशान किया ना, तुझे पकड़ने को आने वाला है। माँ शातिर बबिलेश, तेरी कहानी अब जल्द खत्म होने वाली है। तुम्हें पता है जो, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मैं अपने रिस्क पर साइन कर रहा हूँ। तुम्हें इस एड शूट में इटालियन मॉडल एनेस्थेसिया को ही हायर करना चाहिए। ये मेरी नहीं, सीईओ की डिमांड है। ऑफ कोर्स, ट्रस्ट मी डेविड, एनेस्थेसिया हमारी नई मॉडल होगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आजा बच्चे। आजा आजा आजा, ये ले गुत्ते, खाले 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 खाले। ए रुक रुक रुक, भागेगा, पकड़ता हूं। कहां गया ये? तो बैंड बज चुकी है। महाशातिर, कहां से मिला था वो आपको? उससे, इसने मुझे मिलवाया था। पता था मुझे। एक्चुअली वो कोई बेवकूफ डॉगी नहीं है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। अब तो रहने दो। अरे वाला नहीं, कहां ना कोई आइडिया नहीं चाहिए, एक बार सुन तो लो। अच्छा बोलो। पारशिनी कड़ाऊ मुत्तप्पन की शरण में जाते हैं, उन्हें कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है। अच्छा, वहां बस आपको सोने का कुत्ता दान करना है। Huh? अरे लगता है ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। What happened? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कोई और एजेंसी हमसे ये प्रोजेक्ट छीन ले गई है, that's all। जो कम से कम अब तो उस कुत्ते का पीछा छोड़ दो, चीजें हमारी पकड़ से दूर होती जा रही हैं। मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ। सर, वो बेबी फूड टीम आपसे मिलने आई है। ओके, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर।
उम्मीद है कि आपको पता होगा कि एंजल बेबी फूड दुनिया में नंबर वन है। सालों से दुबई और इंडिया में एंजल बेबी फूड का जो एड आ रहा था उसे आपने बंद कर दिया है। आपको हमारा एड करने में इंटरेस्ट नहीं तो कोई बात नहीं, पर अच्छा होगा अगर आप हमारे खिलाफ कुछ ना कहें। बता देता हूँ आपको, और कह दिया तो आप लोग जो बेबी फूड के नाम पर खाने में जहर मिलाते हैं उसका क्या हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, आपकी कंपनी ने हमारा एडवर्टाइजिंग कर करके करोड़ों का मुनाफा कमाया है। आप लोगों को पैसे लेते वक्त ये सब दिखाई नहीं दिया? नहीं, क्योंकि ये सच्चाई मुझे अभी पता चली है, इसी वजह से मैं तुम्हारे ब्रांड को बढ़ावा नहीं दूंगा। बस बहुत हुआ, हमारे खिलाफ अपनी एक कैंपेन बंद कर दीजिए, कह देती हूँ। क्या कहा? If you don't mind, get the hell out of my office. ठीक है। वैसे ही घर पर परेशान रहता हूँ और ऊपर से ये यहाँ कर भौंक रहे हैं। हेलो, इधर आओ रे। कौन हल? यहाँ क्यों आया है? क्या रे, ऐसा क्या करता है? अभी हम समधी होने वाले हैं। समझा नहीं? नहीं, हमने तुम्हारे जिम्मी और मेरी बेटी की आपस में गांठ बांधी है। क्या गांठ बांधी? कैसा ना समझ रे, नरेश रे, नरेश। मैंने कहा था ना, जिम्मी उसे सच्चा प्यार करता है। देखो रे उसे, मेरी बेटी के लिए एक नंबर दामाद। अपने बेटे के पास अमेरिका जाने से पहले मेरी बेटी के लिए जिम्मी जैसा काबिल दामाद मिल गया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। एंजॉय, एंजॉय। क्या है ये? क्या हुआ? आज जल्दी घर कैसे आ गए? खाना अभी तक नहीं बनाया है। ओ, कोई बात नहीं, मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, उसके बाद कहीं बाहर चलकर खाएंगे, ठीक है? हाँ, तुम जिमी की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो ना? बहुत। ओके। मेरी शादी बर्बाद करके खुद की शादी करेगा? हाँ। जिमी, जिमी, आजा। Come on, Jimmy. Yes, come, come. Jimmy, come. Jimmy, come. Come, 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 come. Jimmy, get it. Shabash. Chalo andar. Chal kahin chal kar mazay karte hain. Teri shaadi ho rahi hai na? दोस्त, शादी के बाद तेरी आजादी तुझसे छिन जाएगी। तुझे मेरी फ्रस्ट्रेशन दिखाई नहीं देती? एक डॉगी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अबे तेरी बात कर रहा हूँ। उसे फोन लगा कर देखो। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये कौन सी दुनिया में चला गया है? तुम परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लो, आ गया। अरे जिमी, तुम कहाँ चले गए थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। मैं बस यहीं पास में गया नहीं था। ये झूठ बोल रहा है, ये जिमी को कहीं छोड़ आया है। हाँ, सही कहा, मैं उसे कहीं छोड़ आया हूँ। क्यों, क्यों बेटा? क्यों मतलब? क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसे पागलों जैसी बात क्यों करता है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, जलन होती है मुझे उससे। बेटा, मेरी बात सुनो, जरा शांत हो जाओ। इसके दादाजी इसके दोस्त की तरह थे। एक दिन की बात है। और एक दिन वो मर गए, और उसी दिन उनके कुत्ते ने एक पिल्ले को जन्म दिया, जिस पिल्ले का नाम था जिमी।
जिमी इसके दादाजी का पुनर्जन्म है, यही बात है ना? अरे इसने तो मेरे ही डायलॉग बोल दिए। पापा, जो जिमी के बारे में नहीं जानता वो बहुत ही मासूम है, और इसके अलावा वो जो को पसंद करता है। ओ अच्छा, वो तो किसी दिन मुझे ही काट लेता, तब जाके तुम्हें खुशी मिलती। ओ बेटा, क्या तुमने जोक मारा है। ए, वो देखो जिमी आ रहा है। जिमी आ गया। सलगुना, जिमी को मैंने ठिकाने लगा दिया। हाँ, अब जाके शांति मिली। सोचा कम से कम तुम्हें बता दूं, बाकी की बातें मिलकर बताता हूँ, ठीक है? इसकी तो देखा सुषमा, जानवरों के प्रति मेरा बेटा इतना भी निर्दयी नहीं है। बेटा जिमी, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तुम काफी थके लग रहे हो। जाओ बेटा, जाओ, जाओ बेटा, जाओ। फ्रेश होकर खाना खा ले। मैं तो डर ही गई थी। सर, एनेस्थीसिया मैडम का फोन स्विच ऑफ है, उनके मैनेजर का भी फोन स्विच ऑफ जा रहा है। जो, व्हाट हैपेंड यार, व्हाट्स गोइंग ऑन? फोन स्विच ऑफ है, पर वो रास्ते में ही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देखिए ये क्या है जो, तुम आखिर क्या कर रहे हो? नो एक्सक्यूज। सुनो, तुम लोग नहीं सुधरेगा, चलो यहाँ से। डेविड प्लीज। सर, पता नहीं मुझे आपसे ये पूछना चाहिए या नहीं। अब क्या हो गया? इन बोतलों का क्या करना है? अब पूरी की पूरी पी जा। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मेरा लीवर फेल हो जाएगा सर। क्या यार, हमेशा असिस्टेंट्स को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। अब क्या करूं, देखता हूं चढ़ेगी तो ठीक है, नहीं तो अपने पैसों की मंगानी पड़ेगी। मिस्टर मैनेजर, यहाँ क्यों बुलाया? आइए बताता हूँ। मैं कुछ सोच रहा था। मैं आपको अगर बताऊंगा ना तो आपको विश्वास नहीं होगा, इसे रातों रात बनाया गया है। क्या सड़क को? नहीं, इस कनाल को। मतलब जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है, और अयप्पा भगवान की कृपा भी। क्या कह रहे हो? मेरा मतलब शेख मोहम्मद, उसने इन दोनों नहरों को यहाँ मिलाकर शहर के बीच से इसे निकाला है। तुमने मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ बुलाया? अरे ये बात नहीं है। तो फिर डेमेट्री पता है ना? हाँ? वो एनेस्थीसिया को लेकर एक शूट कर रहा है। क्या? अरे आपका एक फ्रेंड है ना, वही डायरेक्टर है। कौन? पोता। वो कौन? अरे पोतन। अभी उसे कॉल मत करना, अभी वो वहां मजे ले रहा होगा, हसीनाओं से घिरा होगा वो। तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? 7 months। ओ, 7 महीने में डिवोर्स? मैं समझ गया वो आदमी जरूर फ्रॉड होगा। पर उस दिन तो आप उल्टा ही कह रहे थे कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, कमाल की है। देखो, शादी के वक्त हर इंसान पति पत्नी को यही आशीर्वाद तो देता है ना, और जरूरी नहीं कि ये आशीर्वाद कभी सच भी हो जाए। तुम परेशान होना बंद करो। एक मिनट, अरे फोन। हेलो। हेलो। हाँ भाई, तुम अभी कहाँ हो? कुछ काम था? वो आज वो हो नहीं पाएगा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। कल मिलते हैं ना, मैं पक्का आ जाऊंगा। देखो भाई, आज के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कल फोन करता हूँ। ओके, चलो ठीक है, ठीक है, बाय। मैंने आपको मना किया था ना? वो मेरा फ्रेंड था। वो क्या है, इतना क्या सीरियस सवाल है? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम परेशान मत हो, आई एम विथ यू। खाने से पहले हिलाओ। हम्म।
स्टॉप 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 जो भैया कहाँ रह गया था तू? अरे क्या बताऊं, रिश्तों की परेशानी थी। तुम्हें याद है मैंने एड बनाई थी, अरे वही ब्यूटी सुप वाली जिसमें एक हीरोइन ने काम किया था। अरे वही एलिजाबेथ, भूल गया क्या उसे? शादी के बाद उसका डिवोर्स हो गया, वो बहुत ज्यादा अपसेट रहती है। मैं कल रात उसे सहारा दे रहा था, अभी तो वो हैप्पी है, एवरीथिंग इज ओके। डिमिट्री तुमसे ये एड छिनकर कर रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस एड को बनाने के लिए उसने बहुत सारा पैसा दिया है, तुम बताओ मैं क्या करूँ? इट इज बिजनेस, अपने अंदर स्पोर्ट्समैनशिप लाओ। मुझे सब पता है, वी ऑल प्रोफेशनल्स हियर। अरे छोड़ो इसे, अपनी लाइफ के बारे में बताओ। बुरी नहीं है। प्रॉब्लम है, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। अब जरा मुझे देखो, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, है ना? मैं दिन रात सुंदर लड़कियों के साथ काम करता हूँ, उनके साथ मेहनत करता हूँ, तभी तो मेरी पत्नी हमेशा मुझ पर विश्वास करती है। शी इज माई शक्ति, माई एनर्जी। मेरे मैटर में विश्वास की प्रॉब्लम नहीं है। फिर जाने दो। वो डॉगी, अरे यार उस डॉगी को भूल जाओ, मेरे पास भी अपना पालतू डॉगी। वो डॉगी तेरे डॉगी जैसा नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। फिलहाल तो मैं एक हफ्ते दुबई में हूँ, किसी दिन तुम्हारे घर आऊंगा और मैं तुम्हारे शत्रु को देखूंगा। भाई तुम्हें अपनी पत्नी के साथ थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा, क्योंकि पत्नियों को जब पति से बहुत सारा प्यार मिलता है तो वो बाकी चीजें भूल जाती है। वैसे तुम्हारी वो वाली लाइफ कैसे चल रही है? रोमांटिक वाली? हाँ बस सब ठीक ठाक ही चल रहा है। अरे मेरी बात सुनो यार, बहुत जी ली अपने सुख के लिए, अब बच्चा पैदा करने की कोशिश करो। जब एक बार बच्चा हो जाएगा तो वो उसके बाद उस डॉगी को भूल जाएगी। जरा इमेजिन करो, जब तुम्हारी पत्नी बेडरूम में अपने बच्चे के लिए लोरी सुनाएगी तो तुम्हें भी नींद आ जाएगी। बाप बेटा पत्नी तीनों साथ सोएंगे। हाय, आई एम वल्समा वॉशिंगटन रिट्रीवर। क्या ये मिस जानवी वेट्टी लकरन का घर है? नहीं, ये जिमी जॉन का घर है। मिस जानसी? यस। हाय, नाइस टू मीट यू, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रीटी। थैंक यू, थैंक यू। आइए ना, बुला रही है, आ जाओ, आओ ना। चलो चलो, घर तो काफी बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पर मिस झांसी को स्पेशल गेस्ट इनवाइट करने आए हैं हमारे डॉग शो के लिए। आप सब आएंगे ना हमारे शो में? कैसा शो? डॉग शो। गेट लॉस्ट। जू, क्या हुआ है तुम्हें? अभी कभी यहाँ से निकलो। निकलो मैंने कहा। क्या कहा? यू नो आई एम वल्समा वॉशिंगटन रिट्रीवर। तो क्या करूँ, आड़ में गया तुम्हारा डॉग शो, सबके सब निकलो यहाँ से अभी कभी। हम कौन है क्या आप जानते हो? पता है, अच्छे से पता है। अरे बाबा, बता दो। अरे अरे, जो चलो अबे पागल, कभी अंगा मल्ले फिश मार्केट में आके दिखा ना, तुझे मछली की तरह काट दूंगी, देख लेना। अरे तो अबे दिखाता हूँ। अरे भागो। तुम्हें इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। क्या? अरे वो डॉगी। सुनो, कुत्ता मत बोलो, जिमी। हा? देखा देखा इसका एटीट्यूड, देखा ना तुमने, देखा? इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? मेरे भाई तू बैठ बैठ, और तुम उस डॉगी का मतलब मिस्टर जिमी का। मिस्टर जिमी यहाँ बैठा है। ये बताओ जिमी कहाँ है? जिमी बाहर है, वो बड़ा ही मासूम है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? श्योर। भाई जरा संभल कर, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। काटूंगा भाई, उससे उलझना मत। ए, तो क्या करने जा रहा है? ए, अबे हाथ हटा। जिमी नमस्ते करो, नहीं करोगे? कितना प्यारा है, जरा ध्यान से। अरे यार मेरे जितना प्यारा है। ओके, विच क्लास यू स्टडी? हाँ आई टोल्ड यू, वो बहुत फ्रेंडली है। बेचारा। हिंदी चीनी भाई भाई। कितना शांत और संस्कारी है। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, हमने जो भी इसके बारे में सोचा वो सब गलत था। प्रॉब्लम तू है।
देख तू इस डॉग के बारे में कितनी नेगेटिव बातें करता है, पर जिमी तो शांत और अहिंसा का पुजारी है। अहिंसा का पुजारी? बेटा जिमी बेटा, अच्छे बच्चों की तरह पेश आना, समझे? हाँ देख मुस्कुरा रहा है। देखा ना जो भाई, जो अतीत में हुआ उसे भूल जा, सब ठीक है, वो सब समझ गया। He's very nice fellow. वो बच्चे जैसा, उसे हैंडल करना सीखो। मैं तो कहता हूँ कि उसे प्यार से पेश आओ। प्यार से किसी का भी दिल पिघलाया जा सकता है। प्यार रेगिस्तान में बरसात की तरह है। ये देख बारिश होने लगी। अभी कभी यहाँ से निकल, वरना तेरे ऊपर ओले भी पड़ सकते हैं। अहिंसा का पुजारी बोला था ना? सॉरी, तू बिल्कुल सही था भाई। जिमी, नहीं छोड़ूंगा इसे, यहीं भिगा देगा। जो, 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 रुक जा। अरे, जो, अरे छोड़ो, तू क्या कर रहे हो? जिमी इसे चोट मत पहुंचाना। जो, जो, नहीं बचेगा। प्लीज, इधर आ। जिमी, आप का कहाँ है? सो जा मेरा बच्चा। झांसी, क्या हुआ? ये डिमिट्री यहाँ क्यों आया था? डिमिट्री? हाँ, थोड़ी देर पहले ही आया था ना। ओ, उसकी वजह से ही तो जिमी मुझे आज वापस मिला है। दुश्मनों ने हाथ मिला लिया। अपने बिखरे हुए बिजनेस और मेरे प्रति झांसी की मोहब्बत को देखकर जिमी जॉन ने शराब पीना शुरू कर दिया। Excuse me, repeat. वान माइटो, सच में तुम्हारे लिए दुखी हूँ। What can I do? For me, winning is a habit. तुम्हारे पापा अपने बिजनेस पर ध्यान देते थे, पर तुमने सारी हदें पार कर दी। Now is the time to change the game. And you are going down. ये तू कब से क्या बकवास किए जा रहा है? तुझे जो करना ना कर। ओके। जेनी नो, मैं तो आज बेहोश होने तक पीऊंगा। उस डॉगी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो खुद वापस नहीं आया, उसे वापस लाया गया। ओ, तो अच्छा ही स्मेल में वो एंजॉय करता है।
ये तो पार्टी लायक है। दारू की बॉटल भी है। जब से इसने पीना शुरू किया है मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। हेलो डॉगी, क्या हाल है तुम्हारा? तुम यहाँ कैसे? गेट खुला था इसलिए आने में आसानी हो गई। मुझे लगा वो डॉगी आ गया। वो इंसान की आवाज में थोड़ी ना बोलते हैं। आज तूने बड़ी जल्दी शुरू कर दिया ये सब। वैसे लाइफ कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं यार। उस डॉगी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू निकल ले वरना तू भी बर्बाद हो जाएगा। भाभी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया क्या? भाभी नहीं यार, वो डॉगी। ओ तो उसकी बात कर रहा है। हाँ, अब अगर तूने मुझे अपना मैनेजर बनाया है तो मैं तेरा बुरे वक्त पे साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? इसीलिए मैं यहाँ आ गया। खैर बता, और क्या चल रहा है भाई? मैं नहीं चाहता हमारी जिंदगी में कोई तीसरा इंटरफेयर करे, इसलिए मैंने यहाँ किसी और को रखा ही नहीं। इसीलिए तो मैं आसानी से घुस सकता हूँ। घुस सकता है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी की नहीं, मेड की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब प्रॉब्लम मेड से शुरू हुई है। बस करो, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। नहीं, मुझे तुम्हारी कैपेसिटी पता है। भाई अभी तो मुझे जानता नहीं है। सुना नहीं, बस हो गया, दो पी चुके हो। भाई अभी दो नहीं हुआ है, दोनों बार मैंने आधा ही डाला था। वैसे एक बात कहूँ, तुम लोग की फैमिली की रेटिंग से ज्यादा अच्छी तुम्हारे डॉगीज की रेटिंग है। रेटिंग? सैटेलाइट रेटिंग। तू भी उस डॉगी की साइड ले रहा है। वो तुझे इस पानी में डुबा कर मार देगा ना, फिर समझेगा तू। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी दी सैलरी पे जीता हूँ, लेकिन तुमने डॉगी को मारने की गलत कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डॉगीज को कोई मारता है क्या? सच में ये बहुत शर्मनाक है। डॉगीज को मारना गलत है, ये शर्मनाक है पूरी तरह से। ओए मैनेजर, डॉगीज को मारना गलत है, ये शर्मनाक होता है। अब तो देखना, अरब की पुलिस तुझे उठा के लेके जाएगी। डॉगीज को मारना गलत है, तुमने शर्मनाक हरकत की है। सर, से दिस। व्हाट? No, no, I don't want this. It's too late, man. Too late. What? Sorry, sir. Sorry. Where is Jimmy John? Sir, excuse me. Sir, pani. What? This is water. Joe, tumhari presentation ke liye ruke hain. I'm coming. It's already late, Joe. Okay, okay. Dog food, है ना? I'm coming. चलो डॉगी को खाना डालते हैं। So basically this ये सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, but it's a different kind of concept. हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड, प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है? Yes, yes. What happened to you, Jimmy? Jimmy, what the hell is this? What the hell is this? Get out! Arey, everybody get out! Arey, kya kar rahe ho? Arey, what are you doing? Just get out! Can't do this! Arey, sir, kya kar rahe ho? Sir, chhoti jag, sir, tum bhi niklo. Sir, arey, sir, suniye, sir. सर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये उसकी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन है सर, कुछ नहीं है सर, वो बहुत परेशान है सर। सर, जिमी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसीलिए ये सब हुआ है। सो व्हाट? सर प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, एक चांस दीजिए सर। जेनिफर, तुम्हें बुला रहे हैं। इंटरनेशनल एड एजेंसी ने ये प्रोजेक्ट पूरा किया है, मैंने अपने रिस्क पे तुम्हें दिया था, और वो इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे वो कुत्ते वाला वीडियो पसंद था जो तुम लोगों ने सैंपल में दिया था। इट वॉज अमेजिंग। पेट फूड एड के लिए ऐसा परफेक्ट डॉग मॉडल मैंने नहीं देखा। एग्जैक्टली, परफेक्ट मॉडल। व्हाट टू डू? यू स्पॉइल्ड एवरीथिंग। सर सॉरी सर, कम ऑन सर। सर प्लीज, सर प्लीज। अरे ये सब छोटा मोटा चलता रहता है। तुम भी ना। कौन सा परफ्यूम लगाया मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। असली प्रॉब्लम नक्षत्रों की है, डॉगीज से सावधान रहना पड़ेगा। क्या डॉगीज की राशि होती है? क्या क्या बकवास है। सबकी एक राशि होती है,
उसका जन्म कब हुआ था उसकी जन्मतिथि पता चल जाए बस। तुझे पता है क्या? नहीं पता। पता होता तो हम मंदिर में जाके उससे छुटकारा पाने की मन्नत मांगते। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे डॉगी है, वही प्रॉब्लम तो तेरी भी है ना। अच्छा एक बात बता, तू कभी बनारस गया है क्या? वैसे एक चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कम्युनिकेशन गैप अब हमारे बीच में नहीं रहा। कम्युनिकेशन गैप? हाँ, क्योंकि अब हम साथ में पीते हैं ना। ओफ, मैं जा रहा हूँ। जा मत यार, एक और आइडिया है। तू उसे डिवोर्स दे दे यार, वो डॉगी भी उसके साथ चला जाएगा। तेरी ऐसी की तैसी। क्या सुझाव दिया है? अगर ये आत्महत्या कर ले तो इसे छुटकारा मिल सकता है। अरे सुनना भाई, मेरे पास एक और आइडिया है। यहां सिर्फ मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है, और मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये फैसला मेरा ही था। और ये तुमने खुद ही साबित कर दिया कि फैसला सही था। बस एक आखिरी दांव और, जॉय द बिजनेस टाइकून का चैप्टर क्लोज। जो बिगड़ती जा रही है, पर तुम जो को क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे इसमें क्या करना चाहिए? तुम जरा सोचो इसके बारे में, वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है? इसके लिए जिमी जिम्मेदार है। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता कि जो जिमी को पसंद नहीं करता है? जिमी को कहीं और छोड़ दो, बस इसका यही एक सलूशन है और कुछ नहीं। पर इसमें जिमी ने क्या गलत किया है? जिमी की कोई गलती नहीं है, जो को गलतफहमी है। वक्त ही उसे रास्ते पर ला सकता है, तब तक जिमी को यहां से दूर कर दो। अगर मैंने उसे घर भेजा तो मम्मी पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। कुछ दिन मैं जिमी को साथ रख सकती हूँ, मगर जो को कुछ मत बताना। झांसी, जिमी कहाँ है? क्यों? आंसमी, जिमी कहाँ है? तुमने तो उसे जान से मारने की कोशिश की थी, वो चला गया, अब क्या करोगे जानकर? हेलो सलगुना, जिमी जैसे मिलते जुलते डॉगी का अरेंजमेंट करो। ओके
हाँ वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ वो बिल्कुल वैसा दिखना चाहिए, कोई पहचान न सके। जल्दी रेडी रखो, हमारा शूट है। ओके स्टार्ट कैमरा एक्शन। कट 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 वंस मोर एक्शन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ कट कट कट। क्या यार, क्या तुम इसे बैठना सिखा सकते हो? प्लीज मेरे भाई एक बार। भाई तुम लोग प्यार से बोलोगे तो ये जरूर करेगा। हाथ ऊपर करो बेटा, हाथ ऊपर। हाँ बेटा ऐसे ऐसे। यस सर। तुम लोग बिल्कुल सर, तुम लोग प्यार से समझाओ ना। समझाओ? अरे अच्छे से समझाओ तो मानेगा। नहीं कुछ नहीं बेटा, मुझे पता है कर लेगा ये। हाथ ऊपर करो प्लीज प्लीज एक बार। हाथ ऊपर। हाँ वेरी गुड। ये डॉगी किसी काम का नहीं है, असली वाला कहीं गायब है, फिर शूट कैसे करेंगे? हटाओ ये सब। सर मुझे सलगुना है, सेट लीव मी। सब के सब निकल जाओ, मेरी फॉर्म बंद कर रहा हूँ मैं। बंकर वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। अब क्या करेंगे? ये काफी ज्यादा जिद्दी है। जिद्दी? Give me the lash. Sir, stop, sir, please. सर रिलैक्स पोथा रिलैक्स। वैसे मेरा लक्ष्य यहाँ पूरा होना ही चाहिए। मेरा लक्ष्य है जिमी जॉन का बिजनेस बर्बाद करना। जिमी जॉन? हाँ, मैं जिमी के एम्प्लॉय जेनिफर को अपनी तरफ मिलाकर उसे बर्बाद कर दूंगा। इसे पहले अच्छे से पीट कर तैयार करते हैं, शूट के लिए समय ही समय है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, टेक मोर टाइम। No tension, Pothan. Sorry, sir. मैं इस खेल का भागीदार नहीं हूँ। जिमी जॉन जो है ना, मेरा जिगरी है। मैं उसके परिवार का हिस्सा हूँ। उसे धोखा नहीं दूंगा। मिस्टर पोथन, अगर तुमने काम से मना किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और आप दोस्ती की कीमत लगाना बंद कीजिए। Thank you.
जो वेलकम कॉर्पोरेट किंग डिमिट्री रॉड्रिगेस के फेवरेट डायरेक्टर प्रेम प्रकाश पुत्रन वेलकम। दरअसल मैं जरूरत नहीं है, मुझे हिम्मत दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, यही मेरी किस्मत है। अभी ये क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या? हाँ हो गया हूँ पागल, शादी के बाद पागल हो गया हूँ मैं। उस डॉगी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वही डॉगी मेरा बिजनेस भी बर्बाद कर रहा है। बस खुश और तोड़, सब बर्बाद कर दे। तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। वो डॉगी तेरी दिक्कत नहीं है, तेरी दिक्कत है ये शराब। तेरी प्रॉब्लम क्या है बोलना, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, अगर तेरा जज्बा मजबूत है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता है। तेरी दिक्कत वो नहीं है, तेरी दिक्कत तो खुद है। तेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना तू समझता है, अपने आप से मत हार भाई। मुझे इस एड को कंप्लीट करना है वरना मेरा क्लाइंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। परेशान मत हो, शूट हम ही करेंगे। जिमी अभी दिमित्री के शूटिंग फ्लोर पर है, तुम्हारी भरोसेमंद मैनेजर जेनिफर उसे वहां लेकर गई है। सर मेरे लिए अकेले जिमी को वहां से लाना मुश्किल था, अगर तुम साथ चलोगे तो ला सकते हैं। अब आप देखो सर, मैं उन कमीनों की कैसी बैंड बजाता हूँ। चलिए सर आप चल। देख जिमी, फौजिया हाँ जो कहाँ है? सर कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। ओके क्या हुआ? क्या हाल है? अच्छी लग रही हो। अच्छा एकदम बढ़िया। थैंक यू। ठीक है मजे कर। Interesting. Good job. Thank you, sir. Thank you. Well done, Thank man. You, Thank you for believing in us. तो अब contract sign कर लेते हैं। Contract sign करने से पहले मुझे एक छोटा सा काम है। No problem. इसे तो आप जानते ही होंगे ना, हमारी trusted employee, Perry Jennifer. Hello, Jennifer. आगे से इस office के करीब ही मत आना। Get out. Black coffee पी लेना, energy आ जाएगी। Get Namaste. बहुत बढ़िया, ठीक किया। दो और लगाते ना उसे। अच्छे लोगों की पहचान करो। अगली बार जब मैं दुबई आऊं ना तो मुझे मेरा पुराना जो चाहिए। अबे शराब पीनी बंद कर दे। सर क्यों ना हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दें? हाँ। आइए। जिमी I love you, darling. My sweetheart, my baby. ओ मेरा बच्चा। झांसी। क्या हुआ जो? भगाओ इस डॉगी को यहाँ से। जो? What is this? Are you mad? Yes, I'm mad. तुम अपने पति से ज़्यादा इस डॉगी से प्यार करती हो ना? क्या? तुम्हें हो क्या गया है? इसे तुम्हारे करीब देखकर मुझे नफरत होती है। मैं कब से ये बर्दाश्त कर रहा हूँ? मुझे एक प्यार करने वाली पत्नी चाहिए थी जो मुझे और मेरे बच्चों को प्यार करे। जो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, अपनी दूसरी टेंशन मुझ पर और जिमी पर मत उतारो। मेरी सबसे बड़ी टेंशन तुम्हारा ये जिमी है। कैसी औरत हो तुम? माइंड योर वर्ड्स जो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? उस बहस के बाद किसी को पता ही नहीं कि डिमिट्री कहां गायब हो गया, तो जिमी जॉन का बिजनेस इश्यू तो खत्म हो गया, लेकिन वो शराब में डूब गया और अब भी मुझसे बेइंतहा नफरत करता है।
does divorce, you're right. जो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए. जो मुझसे प्यार नहीं करता मैं उसके साथ नहीं रह सकता. हाँ, मैं बाहर जा रहा हूं, वापस आने तक साइन कर देना. हाँ सुनो मैनेजर. हाँ? आज मैंने शराब छोड़ने की सोची. क्या? हाँ आज शायद मेरा लास्ट पैक हो. हाँ? इसलिए सोचा तुझे कॉल करूँ. हाँ? कहाँ है तू? मेरे फ्लैट पे आ जाओ. ओके मैं आ रहा हूँ. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर दुर्गा पूजा कर आज मैं फ्री हूँ डार्लिंग. तुम आ रही हो क्या? ये फोन में कल वो जो तुम किसी चीज का होस्ट ड्रेस पहनी थी ना, पागल हो गया. तुम कमाल लग रही थी. तू भी व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है. जा दरवाजा खोल. तू खोलना. तुमने खाने में क्या खाया बताओ ना बेबी, मैं जानने के लिए बहुत बेताब हूँ. सब फोन के गुलाम है. मैं ही देखता हूँ. साथ में ग्लास और बोतल भी लेके आता हूँ. आप बैठिए. जल्दी करो भाई आ गए. ओके जानू. हाँ बाय जानू. ए जिमी, ले भाई तू शुरू कर, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ. बेबी मैं बाद में कॉल करता हूँ, तुम आराम से सो जाना. अरे तुमको समझ में नहीं आता क्या, बाद में फोन करता हूँ. सारा मूड खराब कर दिया. सरप्राइज. क्या ये आज तुम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है? कहाँ थे तुम अभी तक? स्टॉप इट. क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कैसा बेटा? सबने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा हुआ है. मुझे एक बात क्लियर करनी है, मैं या वो डॉगी. सी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया. मैं सबसे परेशान हो गया हूँ. कैसा फैसला? डिवोर्स. मुझे डिवोर्स चाहिए बेटा. मुझे कुछ नहीं सुनना. डिवोर्स चाहिए तो चाहिए. जिमी! अरे जिमी! अरे कोई छोड़ा उसे. Jimmy! Mr. Jimmy, he is not very serious. He is fine. You can have a look.
ओके थैंक यू डॉक्टर जाओ अब मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए मैंने अपनी जिंदगी यहां बहुत जी ली कोई अब मेरा इंतजार कर रहा है मेरी जान